हम अपनी मर्जी से भागे हैं, इसमें कोई किसी का जोर जबरदस्ती नहीं है, इसका भी नहीं है, इसकी फैमिली का भी नहीं है। मेरा शादी जबरदस्ती हो रहा था, इस वजह से हम घर से निकल गए। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। इस मोहब्बत के तो कई सारे किस्से कहानियाँ आपने सुने होंगे, देखे भी होंगे। न्यूज़ फाउंडेशन ने भी आपको कई सारे दिलचस्प कहानियाँ दिखाई है, लेकिन इस वक्त एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें जात और धर्म से परे हटकर लड़का और लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं और बाद में अपने प्रेम को मुकम्मल करने के लिए घर से भी भाग जाते हैं। जी हाँ, ये पूरा मामला बिहार के छपरा जिले से निकलकर सामने आया है, जहां पे इस वायरल वीडियो में ये लड़की साफ साफ बता रही है कि उसके मर्जी के बगैर उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। हालांकि उसने अपने घर में इसके बारे में बताया भी था कि वो किसी और से प्यार करती है, उसी से शादी भी करना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद उसके घर वाले नहीं माने। तब जाकर घर से भागने का कदम इस लड़की की तरफ से उठाया गया है। साथ ही इस वीडियो में जो लड़का उसके साथ में है वो भी ये बता रहा है कि वो बेहद मोहब्बत करता है, उसके बिना जी नहीं सकता, और यही वजह है कि इन दोनों ने साथ में भागने का फैसला लिया। सबसे पहले आपको ये वायरल वीडियो दिखाते हैं कि क्या कुछ कहना है इन दोनों प्रेमी युगल का, किस तरह से इन्होंने अपने प्यार का इजहार करते हुए शादी करने की बात कही और अपनी परेशानियों को किस तरह से इस लड़की ने इस वीडियो में बताई है। बता दें कि ये वीडियो वायरल होने के बाद अब यह मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है। लड़की के परिवार वालों ने एफआईआर भी दर्ज कराया है। इसके बाद लड़की और लड़का दोनों ने वीडियो शूट किया और इंटरनेट पर डाल दिया। लड़की ने कहा है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मुझ पर कोई दबाव नहीं है, मेरी जबरन शादी कराई जा रही थी, इसलिए मैंने भागने का फैसला लिया। बता दें कि ये लड़की छपरा के साहिबगंज इलाके की है, जबकि ये लड़का भगवान बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इधर वीडियो पर आए युवक के कहा है कि मेरे घर में इस बारे में सबको पता है, तो वहीं लड़की के पिता ने ये आरोप लगाया है कि वो लड़की 9 लाख के गहने और कैश अपने साथ ले गई है, वो अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, पिता रेस्टोरेंट चलाते हैं, वहीं शहर के एक मैरिज हॉल भी है जहां पर शादी समारोह होने वाला था, लेकिन वह शुक्रवार 15 अप्रैल की रात घर से भाग निकली। लड़की के पिता के अनुसार वह अपने साथ करीब 9 लाख रुपये गहने शादी के लिए खरीदा गया करीब 25,000 की कीमत का लहंगा और कैश भी अपने साथ लेकर भागी है। बता दें कि पिता ने ये भी आरोप लगाया है कि इनकी बेटी ने इलाहाबाद से ग्रेजुएशन किया है, इस लड़की ने कैसे अपनी जान पहचान हुई, इस लड़के से कैसे उनकी बेटी की नजदीकियां बढ़ी, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लड़का कहाँ से पढ़ा है, क्या करता है, उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। वहीं स्कूल में भी वह बेटी के साथ नहीं पढ़ा है, दोनों अभी कहाँ है इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो बता दें कि ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अलग अलग धर्म के ये दोनों हैं, लेकिन एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि घर से भागने का फैसला इस लड़की की तरफ से लिया गया है। साथ ही साथ उस वीडियो में ये लड़की ये भी बता रही है कि उसके मर्जी के खिलाफ ये शादी करवाई जा रही थी, जिसको लेकर ये कदम उसकी तरफ से उठाया गया। उसने परिवार वालों से बात भी किया, लेकिन परिवार वाले नहीं माने, तब जाकर उसने घर से भागने का फैसला लिया। तो वहीं लड़की के पिता ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें ये साफ-साफ लिखा है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उन्हें ना तो लड़के के बारे में कुछ भी जानकारी है और ना ही ये पता है कि ये दोनों कब मिले, कब इनमें मोहब्बत हुई। हालांकि इस एफआईआर में लड़की के पिता का साफ कहना है कि लड़की घर से कैश लेकर भागी है, गहने लेकर भागी है, जिसको लेकर अब ये पूरा मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है, आगे जांच पड़ताल में ही सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन ये जो वीडियो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।